पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाँ आए, सो तो एक कबीर है जो जन्नी जने नाम आए। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। ये सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर हैं। चारों वेद गवाह देते हैं, चारों वेद गवाही देते हैं और श्रीमद् भगवद् गीता भी गवाही देती है कि वो परमात्मा कोई और है। चारों पवित्र वेदों का सार है गीता जी, फिर भी गीता जी के आठवें अध्याय के नौवें मंत्र में परमात्मा के नाम का संकेत है। उसमें कवियम लिखा, कवियम कवियम, जैसे कहीं पर यजुम लिखा हो ना, यजुम, यजुम का अर्थ होता है यजुर्वेद को, यजुर्वेद का या यजुर्वेद के विषय में जानकारी होती है। ऐसे कवियम जो शब्द है वो कबीर परमेश्वर के, कबीर देव की तरफ संकेत। सातवें आठवें अध्याय के पांच और सात मंत्र में काल ने, ब्रह्म ने अपनी साधना के विषय बताया कि अंत समय में मेरी साधना करता हुआ शरीर छोड़ेगा तो मुझे प्राप्त होगा। और आठवें अध्याय के आठ नौ दस में बताया कि उस परमात्मा का भी यही प्रोसीजर है, उसकी भी अंत समय में उस कवियम यानी कबीर परमेश्वर जो सबका अनादि, सबका धारण करता, सूर्य के सदृश तेजों में बहुत शक्तिशाली, सारे सृष्टि का रचनहार कुल मालिक, उसकी सेवन करता हुआ शरीर छोड़ता उसको प्राप्त होता है। तो हमने उस समर्थ का शरण ग्रहण करनी है जिसमें स्वयं गीता बोलने वाला परमात्मा कहता है कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। सर्व भाव से मीन अनन्य मंत, यानी फिर किसी इष्ट अष्ट में तू अन्य किसी के अंदर आस्था मत रखना। जैसे पति भर्ता पद के ऊपर चल के हम उस परम पिता को पाना है, तो ऐसे समर सर्व भाव से यानी फिर किसी देव से या किसी जाड़े लोहाने आड़े थे या कहीं पर भी कोई किसी की अन्य संत की ना किसी भगवान की उम्मीद नहीं रखे, अपने गुरुजी और अपने भगवान। फिर वो पति भर्ता पद पर आ गई। ऐसी जो पति भर्ता पद पर आते हैं कहते हैं पति भर्ता जमी पे जो जो धर है पावे, समर्थ जाड़ू देत ना काटा लग जाए। उनके लिए है ये कहानी जो कथा सुनाई जा रही है, जो कति एक रस हो जाएंगे परमात्मा तेरे चरणों में मरे जय जीवन, तेरे ही पाड़े में मरेंगे मालिक अंतिम सांस तक, यही रखियो मेरे प्रभु। कहते उनके लिए फिर ये परमात्मा इस जीवन सफर में जो पाप रूपी कांटे आने थे उनको बुहारता चलता है कि मेरे बेटा बेटी के, मेरे बच्चे के, कि ते ये कर्म रूपी कांटा फिर ना लग जाए। समर्थ झाड़ू देत है वो दास बनकर चलता है। कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया क्यों जब लग धरती आकाश। उस परमेश्वर ने आज अपनी प्यारी आत्माओं को फिर ढूंढ लिया और कहां कहां जाकर के किस किस प्रकार से किसी किसी के माध्यम से अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में ले रहे हैं। और कुछ दिनों में देखना बिल्कुल निर्मल ज्ञान हो जाएगा आपको। कोई ये बच्चे जैसे मंदिर मस्जिद में या कोई और पूजाएं करते हैं, आपको बच्चे लगेंगे जैसे गुड़िया के खेल खेलने वाले, आपको इतने लगेंगे रे माया करेगा ये भगवान देख के कैसे मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं बोली आत्मा, ये क्यों कर समझावा इन्हें, कहें तो ये उलट पड़े। परंतु आएंगे सभी, कुछ तो आएंगे आपके सुख देख के और कुछ आएंगे आपके ज्ञान को सुख के। जो पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा पिछले संस्कारों के हैं वो तो शीघ्र आ जाएंगे, बाकियों का कलम चढ़ेगी बिकट, अब के और भी कलम चढ़ेगी जो अभी तक सतभक्ति पर नहीं लगे हैं, इन डड़े ढोंढवाणों के चक्कर में डूबेंगे उनके साथ
शास्त्र वृद्ध साधना बताने वालों के पीछे लगे रहे या ब्रह्म तक की साधना करने वालों के पीछे लगे रहे, तो वो अभी भ्रम भटक रहे हैं, वो भी उनका भी कलम चढ़ेगी। देखो ऐसा देख रहा है दास, दस वर्ष के जीवन में कुछ ऐसी ऐसे हम सातमा हैं, नाम लेते पूरा परिवार ऐसे लग जाता जैसे पहले से लगा हुआ था। ये तो प्राणी संस्कार इनके बैलेंस रह रहे थे, बकाया थे, वो फिर आगे शरण में उसी परमेश्वर के उपासक है, उनमें कोई शंका नहीं रहती, फिर कोई कुछ कहो उल्टे नहीं हटते। और कुछ ऐसे हैं नाम लेगे तोड़ का आगे अगलेगा, ये गलती होगी क्या बात होगी, घर के नहीं माने, नू आठ लगी, रिश्तेदारी में गया था, धोखा भरना पड़ गया, तो ये कोई बात हुई। तो ये अभी तक नई प्यो इनका नई कलम चढ़ाएगी, अब ये शीघ्र पकड़ते नहीं इस बात को, लेकिन चढ़ जाएगी, एक दो बार हो जा गलती फिर आ जा, फिर माफी मांग ले, इन पर नई कलम चढ़ाए। और जो ऐसे देखे मैंने कति डेली ड्रिंकर थे, और मांस भी खाना, शराब भी पीना, बीड़ी भी पीना, बकवाद भी करना, और नाम लेते त्याग भी, आठ आठ वर्ष हो गए छुई भी कोई ना, ये सतगुरु के अंश थे, ये पिछले भगत थे परमात्मा के, काल ने ये गणे ठोके, इनमें ज्यादा बुराइयां ठोक दी कि ये चिन्ह सोधी ना आवे और ये जीवन बर्बाद कर जावे। लेकिन ये दयालु अपने बच्चों पर रहम करेगा, कैसे सो सबसी दर मैं करूँ अपने जन के काज, ना जाने किस कारण से दुख में सुख में किसी दोस्त के कहने तक अपने चरणों में लेकर के और फिर उसको भक्ति मार्ग दे देते हैं। वही पुण्यात्मा आज आठ आठ नौ नौ साल हो गए कति छूती भी नहीं, कहे जी अब तो बांस आओ कहते दूसरा पिता हो तो भी उल्टी ग्रहण हो जाती है। तो वो पिछले पुरानी आत्मा, वो कुछ पिछले संस्कार थे। अब जैसे गहरा पानी होता है ऊपर से उसमें काई इतनी भयंकर आ जाती है, जैसे बहुत बुरा पानी हो और जरा सा इलाज हो तो निर्मल होता है, वो गहरा ज्यादा था, पहले से इसमें कमाई थी भक्ति की पुण्यात्माओं में। और दो ऐसे हैं नाम लेते हैं बुटी लाते हैं फिर घर के लाओ खेच खाच कर दस दिन पाचा फिर थोड़े पाओ, तो उनमें भी भक्ति प्रवेश हुई नहीं है, किसी जन्म में भी प्रवेश नहीं हुए उनमें, लेकिन इन हो जाएगी। ये दयालु बहुत है परमात्मा, और कोई धटके पटके देखे, कोई घर के सदस्य की पुकार का सहयोग से परमात्मा उनको शरण में रखेगा, चौंद चढ़ जाएगी तो उनके संस्कार शुभ शुरू हो जाएंगे। वो परमात्मा कौन है? वो कबीर है, परमेश्वर कबीर से, वेदों में कबीर देव लिखा है, हम अपने साधारण भाषा में उसे कबीर कहते हैं, जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं, धर्मवीर को धर्मवीर बोलते हैं, ऐसे जैसे हम भक्त को जैसे बोलना भक्त, हम बोलेंगे भगत, बात वही है, भक्त कह देते भगत कह दे सेंस समझ माने जीव कहना के चाहे, तो हम कबीर बोले बड़ी ई की मात्रा की तरह जोर देकर, और होती है छोटे ई की मात्रा कबीर कबीर, हम बोला कबीर, जैसे भक्त भक्त कह लग गए और ओ, थोड़ा सा बोलना होता अद्धा कह होता, हम बोला भगत यानी भगत, हम उस कबीर को कबीर कहने लगे, वह को वह कहने लगे और कबीर कहने लगे। तो कहते हैं जो वेदों में मेरा नाम है ना, वही नाम वेदों से भी पहले मैं था भाई, तेरे चारों वेद नहीं थे, जो कुछ भी ना था जब तक मैं था, वो कौन है? वो कबीर परमेश्वर है। ये चारों युग में आते हैं, सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में वो अपने वास्तविक नाम से आते हैं, कबीर नाम से। इसलिए आते हैं कि कबीर कहन तभी आपकी जुबान शुद्ध होती है, इस कबीर नाम से भी आपके को, वैसे भी कबीर कोई बोलता है ना तो भी लाभ मिलता उसको। हम इतने पाप कर्मों से बिल्कुल जो है ना सने पड़े हैं, बहुत युगों के चार युग में एक के दिन के जब पाप आप गिन दो तो गिनती नहीं हो आपका कितने हम कर जाते हैं। और यहाँ जब तक हमें ये सत साधना नहीं मिली थी, दोनों भोग भोगने थे, पुण्यों का अलग मिलना था, पाप अलग भोगने होते हैं, इनके दोनों न्यारे न्यारे अकाउंट, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो अभी तक हम पाप कट कर रहे थे और पुण्य करने का कोई प्रोसीजर ठीक मिला नहीं था, तो ना जाने कितने युगों से हम चौथे युग में आ गए, त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर में, और ई वो पाप भी इकट्ठे पूरी जो है ना ढेर पड़ा है,
और अपरमात्मा इसलिए इस नाम से आता है कि इस नाम का वो भी कोई नाम लेगा तो भी हमें राहत मिलेगी, स्वाभाविक भी जाप करता तो भी राहत मिलेगी, लेकिन प्रोसीजर पूरा नहीं होगा तो उससे भी कोई राहत नहीं मिलेगी, यानी पूर्ण राहत नहीं मिलेगी। छोटी मोटी राहत मिली उसका फायदा क्या, जब तक पर रोग पूरा ना कटा जैसे हम भयंकर रोग है और उसमें एक छोटे से दर्द की अस्थाई जो दर्द को ठीक करने वाली गोली खा भी दी तो उससे वो रोग कटे नहीं का, प्रोसीजर पूरा अपनाएंगे तो फिर वो जड़ से रोग मिटेगा तो वो दर्द पूरा खत्म होगा। तो जन्म मरण का रोग अपना लगा हुआ है, इसको समाप्त करने के लिए तीन मंत्र का जाप है। ओम का जो जाप है ये ब्रह्म को देना है, इसका ऋण है अपने ऊपर। ओम नाम का जो जाप है तीन मंत्र का जाप आपको मिलेगा। जो प्रथम मंत्र दिया जाता है ये तो आपकी जेब खर्च है, यहाँ इस काल के लोक में सुविधा जो आपको प्राप्त हो करनी है, आपने गाड़ी भी चाहिए, बच्चे भी ब्याहने हैं, जो भी सुविधा हो आपके भाग से भी न्यारी ना होगी तो भी ये दो मंत्र और इसके साथ हैं। इन मंत्रों से के सहयोग से और इन पांच मंत्रों के सहयोग से आपको ये सुविधा मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी और ये दो मंत्र का जाप आपका भविष्य आगे चलने के लिए सेफ कमाई रह जाएगी या समाप्त नहीं होगी। और इससे ये अंदर कमल बने हमारे, ये पांचों कमलों पर ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में ये जो अधिकारी बैठे हैं इनसे ऋण मुक्त होने के लिए ये मजदूरी करते हैं, हम जाप नहीं की इनकी पूजा नहीं करते ब्रह्मा विष्णु महेश की, इनसे हमने कनेक्शन ले रखे हैं। जैसे टेलीफोन का बिल भरते रहेंगे तो कनेक्शन हमें मिला रहेगा, बिजली का बिल भरते रहेंगे तो हमें उसकी राहत मिलेगी, तो उसके लिए ये मजदूरी ये बिल इनको देते रहेंगे और पुराने जो कर्जे इनके हमारे बैलेंस है वो भी इसे रिमूव होंगे। और फिर काल का जो विशेष कर्जा है वो हमारा अलग से है, उस ओम नाम के जाप से हम देंगे। अभी तक क्या करते रहे हम, कभी साधक रहे ओम नाम की कमाई को स्वर्ग महास्वर्ग ये नकली सतलोक में बैठकर खा कर फिर वापस आगे बर्बाद करते रहे, राजा बन गए, महाराजा बन गए, पूरी पृथ्वी की का राजा बन गए और स्वर्ग में इंद्र बन गए, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए और अपने पुण्य को समाप्त करके फिर जीव के जीव बन गए। अब हमें परमात्मा ने सोधी दे दी कि हम इस ओम नाम के जाप की आपकी कोई राहत नहीं लेंगे, ना स्वर्ग जाएंगे, ना मां स्वर्ग जाएंगे, ना ब्रह्मा विष्णु महेश बनेंगे। इस ओम नाम की कमाई को हम काल को ब्रह्म को दे देंगे, ये हमें यहाँ से छोड़ देगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 66 में लिखा है कि सर्वधान सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। मेरे लेवल की जो भक्ति है, धार्मिक जो साधना है, सर्वधर्मान यानी सब धार्मिक क्रियाएं मेरी मेरे को त्याग के सर्वधर्मान सर्वधर्मान प्रीतज माम मेरे लेवल की सारी पूजाओं को मुझ में छोड़कर एकम शरणम व्रज। एकम एकम माने वो सर्वशक्तिमान जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में चला जा। इन नादानों ने व्रज का अर्थ कर दिया आज के मेरे पूजाओं सब धर्मों के कर्मों को, पहले धर्म था ही नहीं जब गीता को दी गई उसमें कोई धर्म नहीं था, तो उसमें कहते हैं धार्मिक पूजा जो मेरे लेवल की ओम नाम की क्रिया है, ये जो यज्ञ हवन आदि करते हो, ओम नाम का जाप जपते हो, ये मुझ में छोड़ के और उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा। फिर अहम तवा सर्व पापे व्यामोक्षामि मा सोच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि पाप पाप से हमें दुख होता है, कष्ट होता है, हमारे जो पुण्य रहते हैं वो ठाठ रहेंगे, पाप आ जाएंगे जब हमें दुख उठाने पड़ते हैं, पापों के कारण हम कर्म बंधन में बंधे रहते हैं। उसके लिए क्या कहते हैं परमात्मा, कि ये काल कहता है कि मेरी लेवल की भक्ति को मेरे में छोड़कर उसकी शरण में चला जा, फिर मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा। ओम नाम का जो आपको मंत्र मिलता है सतनाम में, दो मंत्र का जाप होता है ओम और तत्, तत् नहीं है वो मंत्र, सांकेतिक है वो मंत्र, सांकेतिक पर ब्रह्म का किराया देना है। ये मजदूरी है भी आपकी यहां से निकलने की या कमाई करनी है ऋण मुक्त होने के लिए। और तीसरा मंत्र आपको जब काम करेगा
उसने कार्य किया, सफल होगा आपका जब आप यहां से ऋण मुक्त होने योग्य हो लोगे। अब जल्दी करते हैं, तीसरा नाम ना मिला कदे मर जाऊं। पहले तो इसके चरणों में आके आप सही नियम से चल रहे हो, ये भूल जाओगे तो मुंह ही मर जाओगे। इब मरना भी आपके बस का कोई ना, और काल के बस का कोई ना आपको मारना। लेकिन हम ही गलती कर जाते हैं, नियम भंग कर देते हैं, फिर तो कद्दे मारो, काल किसी प्रकार कुछ करो। हाँ ठीक, आप जिसे कर रहे करिए, यह साथ चली जाएगी, दोबारा जन्म मनुष्य का हो जाएगा जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। और जो पहला मंत्र लेकर भी दो चार महीने, सात महीने, दो महीने, चार महीने, छह महीने जाप करके मृत्यु होगी, दूसरा नाम भी ना लेने पाए तो भी मनुष्य जन्म उसका श्योर है, पक्का है। और दूसरा नाम मिल गया, ये सार नाम, ये सतनाम, और फिर दो एक दो वर्ष मृत्यु कर दी भक्ति, फिर भी इस प्राण त्याग गया तो मनुष्य जीवन मंत्र को धोखा है कोई नहीं। और हो सके ना बुरा, कितना बुरा कि तो प्रधानमंत्री मिल जाए, कि तो ना बुरा कितनी और सुविधा आपको मिल जाए, क्योंकि इसके एक ना एक सांस की कीमत बहुत गनी है, इस एक मंत्र की कीमत बहुत गनी है। अब जो पूजा है पहले आप कर रहे थे उसका तो कितना लेना देना कोई नहीं था, ना कोई खाता है, नहीं कोई अकाउंट ही नहीं था, उसने भी करते करते मरो, वो भी तो मरना ही था, वहां आगे भूत और बनने पितर बनने थे। ये साधु जितने संत, ये बड़े बड़े गीत आज सुनाऊंगा कभी समय आने पर, एक पुस्तक बना रहा हूं। इन ये सारे भूत बने फिर, ये पितर बन रहे, इनके अंदर भूत बोल रहे, तो ये सारी क्रिया शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हानि होती रही। लेकिन ये चिंता मत करना, अगर आपकी लगन सच्ची है तो नहीं मर सकते जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। अब बेड़ा पार इसने करना ही है तो आपकी सारी रक्षा करेगा आपको, जब ये समर्थता इसके अंदर वेद गुहाई देते हैं और स्वयं आंखों देखा संत इनकी परमात्मा की महिमा यही गाते हैं कि कबीर परमात्मा है, जम जो राजा से डर ये मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर है ये कुल के सतगुरु एक। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी जाड़ता पगरज डरे शीश। यु काल डरे करतार ते, करतार कौन है? कबीर परमेश्वर। और दूसरा करतार है नहीं, सारी सृष्टि का रचनहार वही कबीर परमेश्वर है, वही उसको वास्तव में करतार वही है, सबका रचनहार, सबका बनाने वाला करता सबका। तो कहते हैं वो काल डरे करतार से, और जय 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 जगदीश, जगदीश भी वही है सारे ब्रह्मांडों का कुल मालिक। वैसे तो हम ये छोटे मोटे साहब सारे साहब होते हैं, पर वास्तव में जगदीश ही कबीर परमात्मा है। और कहते हैं जय 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 जगदीश, और ये जोरा ये मौत, कहते हैं परमात्मा के जूते साफ करा कर हमारे कबीर साहब के, और पग ने फिर उस रेत ने अपने माथे पर लगाती है, यानी उसके हुक्म बिना हमारे भगत की तरफ मौत नहीं आ सकती परमात्मा की रजा बिना। तो उसकी रजा जब होगी, जब हम सही लगेंगे तो उसकी रजा जब होगी, जब आप हाथ जोड़ लोगे भगवान ले चलो अब तो ले चलो मेरे प्रभु, तब हाथ जुड़वा देगा तुम अपने आप, और ना कोई कष्ट होगा शरीर में, आपको ज्ञान नहीं इतना हो जाएगा कि तो खचड़े ने कितने दिन दिए भरा इसने, ये तो बहुत पुराना हो गया है, और ले चलो मेरे प्रभु असंग जन्म हो गया। आप पे आत्मा मांगेगी इस पर तड़प ने, तड़प करेगी परमात्मा की तरफ, जब जाओगे वैसे नहीं जा सकते। तो इसलिए उस योग्य हो के आप सार नाम ले दो, और वैसे गेंद पड़ के ले भी लोगे तो काम करे कोई ना। कच्चे फोड़े पे समझदार सर्जन कभी जीरा नहीं देता, वो यही कहता रहता दो हफ्ते पाछे आइए, एक हफ्ते पीछे आना भाई, फिर कहेगा डॉक्टर साहब लगा दो चीरा, मैं घना तंग हो रहा हूं भाई, चार दिन पीछे आइए दवाई खा। तो वो जब तक नहीं देख लेगा सचमुच जब इसके योग्य हो गया है चीरा लगाने, तब तक नहीं लगाता। इसी प्रकार ये सतनाम सारनाम आप याचना करो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दास उसी समय देगा जब योग थोड़ा पक लेगा। और लोहा पूरा गर्म हो तभी चोट लगाई जा तो उसका कुछ बन सकता है जिसके लिए प्रयत्न हो रहा है, और थोड़े से ठंडे पर चोट लगाने का कोई यूज नहीं होता। इसलिए आप तीसरे नाम की चिंता आप मत करना, ठीक है, याचना तड़प आपकी बनी ही रहे, याद दिलाओ, प्रार्थना करे कि आपके दास योग्य हो गए, ए भगवान क्या योग्य हो गए, इस तरह बोल जाते हैं। अरे का दानियों का तीसरा नाम नहीं दे रहा, फिर बेरा को 9 साल हो गए उन्होंने नाम लिए तरह के जो, ये कोई परमात्मा से तीसरा नाम लेने के लक्षण है तुम्हारे, तीसरा नाम लेने की बहुत ही ज्यादा। पहले तो गुरुदेव आपके परमात्मा
आपको गुरुदेव जो है प्रभु के तुल्य हो, आपके हृदय में उस भगवान जैसा उनका दृष्टिकोण रहे, तो कहते हैं गुरु के सामने कैसे बोलना होता है। एक याचक जैसे कोई किसी से पड़ोसी से कोई वस्तु मांगने जाता है तो उसको यूं थोड़ा है, कहता है कि तनवा देनी कोई ना बात फलानी चीज, जैसे कोई टीवी मांगने चला जावे या कोई और वस्तु मांगता है तो उसको सीधा नहीं बोला जाता, उससे भी भूमिका बनाई जाती है और बच्चे ठीक हैं क्या कर रहे हो ठीक हो, फिर प्रार्थना की जाती है बहन एक टीवी बच्चे देखना चाहते हैं 2 घंटे के लिए कृपा कर दो, तब वो प्रसन्न होकर के और दे सकता है अपना कीमती चीज को। और अगर जाती नौके वो टीवी दे देना है होगी तो भी नौके की मारत खराब हो रहा है वो तो भी ना देते, अरे ये मांगना भगवान तुमने, तो बोलने का तरीका सुधारना पड़ेगा और ये तभी सुधरेगा जब हृदय में जगह बन जाएगी और ज्ञान से मैच्योर हो जाओगे, तब आपके लक्षण बता देंगे कि हाँ अब ये योग्य हो गया है। कैसे एक समय इब्राहिम सुल्तान अधम घर त्याग गया, सतगुरु के चरणों में लग गया, घर से बाहर अपना साधना करने लग गया, लकड़ी बेच के लावे और बेचते लकड़ियों को गुजारा कर रहा था। परमात्मा ने दूसरा नाम दे दिया, पहले प्रथम मंत्र दिया सतनाम दे दिया, सतनाम दे दिया तो फिर कहा बेटा सारनाम और मिलेगा जब मुक्ति होगी। जिस व्यक्ति ने घर त्याग दिया, 18 लाख घोड़े छोड़ दिए और 16,000 रानियां थी वह त्याग दी, पूरा राज त्याग दिया, तो उसके तो फिर एक उद्देश्य था भगवान मुझे सारनाम मिला मेरा कल्याण हो। परमात्मा ने कहा भी ठीक है सारनाम देंगे तुझे, आप आते रहना योग्य हो जाएगा बेटा, याचना करते रहना योग्य हो जाओगे तो मैं आप रजा बख्श दूंगा। अब एक जगह सत्संग परमात्मा कर रहे थे कबीर साहब और इब्राहिम सुल्तान अधम सत्संग में आ रहा था, ऊपर से एक बहन ने कूड़ा करकट साफ करके अपनी छत का और जल्दी में, उसने भी सत्संग में आना था, गुरुदेव की शिष्या थी, और जल्दी में गली में ऊपर ते डाल दिया और इब्राहिम सुल्तान अधम के ऊपर पड़ गया। ऊपर गिर गया तो उसने बड़े क्रोध में आकर कहा कि लड़की ये क्या करा, तेरी आंखें फूट गई क्या, अगर आज मैं राजा होता तो इतना कह के चुप हो गया, चल पड़े आगे ने नो करता। अब वो लड़की भी ने भी वहीं सत्संग में आना था, उधर से उस महापुरुष ने भी आना था, वो पहचान लिया उस लड़की ने कि वो बैठा भगत की बताते माओ था तो आज सत्संग में आ गया, बोल रहा दीदे का डे से कर डे से ना, ये भगत कहां से हो गया जब इतना गुस्सा इसके अंदर, मन में सोचा उस लड़की ने। तो लड़की ने उस जाके गुरुदेव से पहले ही पूछा कि गुरुदेव ये आदमी कभी राजा था क्या, वो बैठा पड़े में। परमात्मा बोला क्या बात बेटी, कि वैसे ऐसे जी मेरे से धोखे से ऊपर तक कूड़ा पड़ गया, इसके ऊपर गिर गया और ये इतना गर्म हो गया, पूछो मत, बोला तेरी आंख फूट गई क्या, और आज मैं राजा होता आगे ना बोला क्या कर देता बस। तो कबीर साहब बोले हाँ बेटी यू राजा था और बहुत बड़ा राजा था, छोटा कोई नहीं था, बलख बुखारे का बादशाह था ये। अच्छा ये हो वो कहा, ये है बेटी। अच्छा ही तो जी बहुत गुस्सा इसमत है, तो बेटी राजा में गुस्से होया करे और क्या होता है, लड़की को तो टाल दिया परमात्मा ने। अब इब्राहिम सुल्तान सत्संग स्मरण करने के उपरांत कहा गुरुदेव आपका दास सत्संग के उसके योग्य हो गया सार नाम के, तो दया करिए गुरु। परमात्मा बोले बेटा अभी तू दास नहीं बना, तू राजा है अभी। तो कहता नहीं जी राज तो आपने दया कर दी थी, बहुत दिन पहले छोड़ दिया था कि नहीं अभी तू राजा है, 1 वर्ष के बाद नाम मिलेगा उस इसी दिन इसी समागम में जो आपकी आज्ञा चला गया। अब वो समागम सत्संग का दिन था, एक ही दिन सत्संग करते थे सतगुरु, वही समय था। तो परमात्मा ने कहा बेटी अब कहीं आओ ना, तेरी गली में रास्ता यही है और इसमें गार गोबर इकट्ठा करके घोल दिए इस बाल्टी में और ना इसके जान का चोटी में पत्थर डाला दिए, जब यू आवे इसके ऊपर डाल दिए कति पूरा का पूरा वो गारा बना के, और फिर ये क्या प्रतिक्रिया करे फिर मुझे बताना आके।
अच्छा जी, अब लड़की तैयार बैठी रही, सारा दत्तू आने का समय हुआ, वो आ रहा था और लड़की ने दमाकती ऊपर चोटी में लगा दिया उसके गारे को, पूरा वो पूरा पहचान में बिना वैसा हो गया, सारी गारा में कपड़े भी भीग भी आ गए। और फिर लड़की बोली, भाई साहब गलती होगी मेरे पे, मन देखा कोई ना। तो वो कहता है कि कोई बात ना बहन, कोई किसमें के मिट्टी पे मिट्टी ही तो गिरी है, ये पांच तत्वों का पुतला भी तो मिट्टी है, इस पे मिट्टी डाल दी बहन, कोई बात नहीं, ना धो के उसे फिर हो जाऊंगा। तो वो कुएं पर तालाब पर गया, वहां नहा धोकर गर्मियों के दिन थे, अपना सुखा सुख कपड़े सत्संग में आ गया। तो लड़की ने आकर बताया, परमात्मा ने पूछा, बेटी आज कैसा देखा है इसका मिजाज तूने? कहने लगे, भगवान आज तो कमाल कर दिया इसने, मैंने इसके ऊपर गारा डाली, तेने बोलिया बहन कोई बात ना, मिट्टी पर मिट्टी ही तो पड़ी है। तो तब बोले, बेटा आज हो गया नाम लेने जोगा, तीसरे नाम के योग आज हुआ। तो वाया फिर सत्संग के बाद चरणों में मत्था टेक कर कहता है, आपका दास हाजिर है, आपके सार नाम के योग हो गया हो तो कृपा बख्शो प्रभु। तो बोले, बेटा आज तुम दास हुआ, अभी तक राजा था। हाँ जी जरूर होगा, ये पापी मन जरूर कोई गड़बड़ कर दी होगी प्रभु। और उस दिन कहता था ना जी मैं राजा नहीं हूं, और उस दिन ये कह रहा, हाँ जी जरूर यू मन बदमाश जरूर कोई गड़बड़ कर दी होगी प्रभु, आप गलत नहीं कह सकते। तो फिर ने बोला, हाँ बेटा आज तू योग्य हो गया, बैठ जा तुझे सार नाम दूंगा। तो इस प्रकार यो जीव छुटकारा होगा, ये बालकों का खेल नहीं है, इसमें सावधानी नम्रता हर चीज काउंट होती है। अति आधीन दीन हो प्राणी, वाह को कहना ये अखत कहानी। अति आधीन दीन मिट्टी जब यू नाम काम करेगा, जिन्हें ले भी रखा फिर नाम तोड़े जाते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होगा उसका, तीसरे का नहीं होगा, अभी दूसरे कर्णों का चलता रहेगा। तो कहने का भाव यह है कि इसको बहुत सावधानी से चलो, ये कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, विश्वास दृढ़ करके सतगुरु के मैं एक दास युग कोच बना रखा है, और आप खेल के खिलाड़ी, और कोच की हर इंस्ट्रक्शन पर खिलाड़ी अमल करेगा तो सफल है, नहीं तो फिर फाइनल में फेल हो जाओगे, यहाँ अगर कोई दिखाई भी दोगे तो इस प्रकार आपने हर मर्यादा को निभाते हुए प्रभु के चरणों में लगना भी बेड़ा पार हो जाएगा, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। कठिन तो हम कर लेते हैं जिसको बात बढ़ा जाते हैं, कुछ दिन में आपको इतना सुख हो जाएगा, आप सत्कर मान लियो, आप पठाए जाना दिराजा, आपके याद नहीं आओगे हमें तो कोई कष्ट भी होता है, वो दुख आपके लिए दुश्मन, वो सुख आपके लिए दुश्मन हो जाएगा, आपको फिर प्रभु से दूर कर देगा। तो उसमें यही मांगना कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हर जैसे जावे, बलिहारी उसे दुख के जो पल पल नाम रटावे। दे भगवान वो दुख भी अच्छा मालिक जिससे तेरी याद बनी रहे, और उस सुख की नहीं आवश्यकता परमात्मा, तेरा नाम चला जावे, ऐसा सुख मत देना मेरे प्रभु। तो परमेश्वर के चरणों में आने से कहते हैं, आई टड़बला और जय मस्तक में सूढ़ी होगा कांटे में टल जा। अब जैसे हम साधना भी कर रहे हो, धर्म भी खूब कर रहे हो, लगन भी आपकी पूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं कि आए महीने इसी गर्मी सर्दी वर्षा में, और आज से मॉडर्न समय आ रहा है, किसी के पास टाइम कोई ना, एक मिनट का भी समय नहीं था जब तक हम सतगुरु चरणों में नहीं आए थे, और वही प्रोसीजर वही ढमढमा था, अरे वही समय और वही सारा कुछ, समय समय दे दिया भगवान ने, वही समय देगा, वही मेर बख्शेगा, वही आपको यहाँ लेकर आएगा, वही दो पैसे का प्रबंध भी आप ही को करेगा। कहते हैं आपने, कहते हैं शीश दिया तो भला किया, परमात्मा कहते हैं शीश दिया तो भला किया, सर का दासी भार, अजय कभी नो कह दिया मन ने दे दिया तो बहुत सह शरमार। जिस दिन तूने ये कह दिया कि मन ने इतना दान कर दिया, मैं इतनी सेवा कर दी, मैंने पांच पंखे दे दिए, कहते उस सजन बात बिगड़ जाएगी। जीव नहीं कर सकता, जीव क्या कर सकता, घूटी ला सके, लठ बजा कर मुकदमा कर सके कि तो और बिरान माटी में पा दे देगा, जीव कुछ नहीं कर सकता, ये तो करवाने वाली शक्ति आपके साथ एक गुप्त रूप से परमात्मा अपनी शक्ति छोड़ देता है, जो आपके संस्कारों को चेंज करती है, आने वाली आपत्तियों से आपकी प्रोटेक्शन करती है, दूर फेंक देती है, फिर आपको ऐसी आपत्ति आती दिखती है और फिर वह टल जाती है, फिर श्रद्धा बढ़ती है और फिर चलते हैं परमात्मा के चरणों में। जैसे परसों आपको बताया था एक भक्त,
इसे मध्य प्रदेश से आता है, टीकमगढ़ जिला से, और उसका लड़का 7-8 वर्ष का लड़का, ये तो यहां हुआ था जुलाई के सत्संग में, और लड़का पीछे कुएं में गिर गया। 20 मिनट तक कहता उस कुएं में पड़ा रहा, 20, क्योंकि कुएं में गिर गया आदमी तुरंत आते नहीं, जाओगे सामान उठा कर जाओगे कोई आवाज लगाओगे, 20 मिनट तक डूबा रहा और निकाला तो वो लड़का बिल्कुल स्वस्थ कूदता अंदर। मैं यहां रहा था, मेरा बालक वहां, मेरे भगवान मेरे बच्चे की रखवाली कर रहे थे। तो इन्यो पेटा भरे, हर महीने आता है वो प्यारा प्यारी आत्मा परमात्मा के चरणों में, कहां मध्य प्रदेश से कहां यहां। तो कहते इनके लिए वो इतिहास बदले जाते हैं, और जो अपना जैसा वैसे कर रहे हो वैसा तो सबको मिलेगा, लेकिन इतनी लो मालिक में लाएं पार पड़ेगी और वही हम यहां से पार होंगे। ठीक है, तो जैसे आपको कोई घटना दुर्घटना छोटी मोटी हो भी जाती है तो मन में खोट नहीं आनी चाहिए, जो सोचे ये भगवान आपके चरणों में भी अगर ऐसा हुआ है, शरण में नहीं होते तो घनी बात बिगड़ जाती। एक बहन जो है विधवा होगी, इकलौता पुत्र, पहले तो आस थी उसकी कि बेटा श्याम बड़ा होगा, मेरी काम में मदद करेगा। सूर्य के बीच में बादल आ जाते हैं, उसमें सूर्य अव्यक्त हो जाता है लेकिन विद्यमान होता है। इसने कसम खाई है कि मैं कभी किसी को वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इसी प्रकार गीता जी के अध्याय नंबर 11 मंत्र नंबर 47 में कहा है कि अर्जुन मैं ये मेरा स्वरूप है, 47-48 में अर्जुन ने दिया है कि मैं ये मेरा स्वरूप ना तो पहले किसी ने देखा तेरे अतिरिक्त, और ना आगे कोई प्राप्त कर सकता, ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरे दर्शन नहीं, मेरी प्राप्ति नहीं है इस रूप में। ये मेरा वास्तविक रूप है, काल रूप, और इसके दर्शन अर्थात मेरी प्राप्ति क्वाइट इम्पॉसिबल। आगे फिर 50-51 में लिखा है कि ये जो मैंने तेरे को चतुर्भुज रूप दिखाया ना, मेरा ये विष्णु रूप दिखाया तुझे, इसके दर्शन भी मैं अपनी अनन्य भक्त को अपनी मेहर से इसमें सुलभ हूं। जैसे महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ये ब्रह्म लोक में काल रहता है, कहते इसमें मुझे दर्शन कर सकते, वो भी इन वेद वेदों के जाप से नहीं हो तो मैं जिस पर रहम करूं मेर करूं उसको दिखा सकता हूं अपना दर्शन। तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री ये ब्रह्म का नाम जो ओम है इससे प्रभु प्राप्ति नहीं है, इससे सिद्धियां आ जाती हैं। महा स्वर्ग में ब्रह्म लोक में एक अच्छा स्थल है जहां महास्वर्ग बोलते हैं, उसमें फिर इस काल में एक और चाल चली है, नकली सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक भी इस एक ब्रह्म लोक में एक ब्रह्मांड में भी डुप्लीकेट बना रखे। जो अच्छी साधना घनी ओम नाम की साधना कर रहा है, जप तप कर रहा है, तो उसको ऐसे सतलोक बना रखे महास्वर्ग में, उससे भी ज्यादा किसी ने मारकंडे जैसे ऋषि उनको सतलोक बनाकर और अच्छी सुविधा दे दी, वहां ज्यादा बकवा दे, जैसे इंद्र ऋषि, जैसे मार्कंडेय ऋषि जी साधना कर रहे थे, उर्वशी आई थी, उर्वशी ने डांस किया तो मार्कंडेय ऋषि नहीं रुचि बनी, क्योंकि उन जो जहां उसकी समाधि जाती थी, जब वो ध्यान मग्न होकर के जहां देखते थे, जिस लोक में उद्देशित जहां पर वो जाना चाहते थे वहां जो पहुंच जाती थी सुविधा समाधि, तो वहां क्या देखता था कि यहां के स्वर्ग इस इंद्र के लोक से भी ज्यादा बकवाद है वहां पर। तो मार्कंडेय ऋषि ने क्या कहा था कि मैं तुझे क्या देखूं, तेरे जैसी तो वहां डांस करने वालों की बांधी थी साथ साथ। तो कहने का भाव ये कि ये स्वर्ग जितने भी हैं ये काल ने धोखा देने की खातिर अपनी कमाई रेस्टोरेंट बना रखे हैं, जो अच्छी साधना करके वहां बकवाद में खोया हो फिर 84 लाख दुनिया में अपना गधे बनो से कूदे, ये प्रोसीजर अटल है, ये यहाँ का विधान अटल है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम ब्रह्म की ओम नाम की साधना करते हैं, इससे सिद्धियां आ जाती हैं, यहाँ चौधरी पाक जाते हैं, आकाश में उड़ जाना, गुप्त हो जाना, एक बार नाना प्रकार रूप धारण कर लेना, वहां भी देखा था महात्मा, वहां भी दिखाई दिया गया था, ये तो बच्चों के खिलौने हैं, ये इस भक्ति मार्ग में बाधक है। गरीबदास साहब ने कहा कि सिद्ध नहीं ये तो गधे है, ये चिन्ह नहीं सतनाम, इन्होंने वो सतनाम नहीं पहचाना, इसलिए सिद्ध नहीं ये तो गद्ध है,
या अंडी पाकी अंडे, फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी इनकी सड़क में, फिर चिट्टी की चिट्टी का उज्जों के तो जीव के जीव, जैसे वर्षा के दिनों में ये पंखों वाली चीटियां निकलाती हैं, देखी होंगी वो इनके बल्लभ के आसपास ना जाने कितनी बिना गिनती की, और वो होती है चीटी ही, उनके वो पंख आ जाती हैं कुछ लंबा समय आयु का हो जाने से, और अन्य चीटियों में वो सरदार पाक जा, उनकी मुखिया हेड बन जाती हैं कि वो हो ये तो आकाश में उड़ जाए, वही ये तो कति भगवान बन गई, और फिर वो घूम कर उस बल्लभ के आसपास दो घंटे में उनकी पंख टूट जाए, वो चीटी की चीटी पेट कर और फिर चलती पावे। ऐसे ही ये शब्द हैं, इस ब्रह्म तक की साधना के साधक जो हैं इनमें सिद्धियां आ जाती हैं, फिर कुछ इनका पुण्य बन जाता है, नाम जाप की कमाई बन जाती है, स्वर्ग महास्वर्ग में जहां भी इनको कोई देव बना दिया जाता है कि तब महादेव बना दिए जाते हैं, और फिर ये सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं, इनके पुण्य क्षीण हो जाते, फिर जीव का जीव गदा बने का कुत्ता 84 लाख में फिर प्रोसीजर ये शुरू से शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो साधनाएं हैं, प्रथम तो अभी तक कोई साधना ढंग से तुम कर नहीं रहे, और थोड़ी बहुत राहत जैसे महास्वर्ग में कुछ दिन तो पीछा छुट्टे इस तुरंत भूत प्रेत बनते ओम नाम ही सबसे अच्छा है यहां तक का, उसको छोड़कर इन नादान संतों ने मनमुखी ओम नमः शिवाय, ओम भगवदेव वासुदेव, ओम नमः भगवदेव वासुदेव, गृणा के मंत्र तंत्र बनाकर हरम परम गृणा के बना दी। तो ये नाम उस परम पिता के पाने के नहीं है, ये ज्योत निरंजन अलग 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 ज्योत निरंजन निरंकार सतनाम सोहम निरंकार, ये मंत्र पार होने के नहीं है, ये तो कोई भी लाभ देने के कोई ना, ये तो अलग से एक एक मंत्र का जाप करके बड़े बड़े बहुत दिनों तक तो शर्त पचाई करी तप घोर तप किए तो उससे सिद्धियां आ गई, उन सिद्धियों से फिर वो अलग स्थान उनको, वो स्वर्ग से अलग स्थान मिलता है उनको, ये खेड़े खेड़े बने हुए हैं अलग से 88,000 खेड़े, इनमें भेज दिए जाते हैं, वहां पर इनको किता सरपंच बना दिया छोटा मोटा 10-5 वहां खेड़ों का प्रधान बना दे, ये जैसा प्रोसीजर यहाँ है राजनीति का ज्यो का त्यो ऊपर के लोगों में काल ने इनको फिट कर रखा। ये तो परमात्मा आते हैं और फिर हमें ये सत्य ज्ञान दे करके यहाँ से हृदय हटा देते हैं, कहते हैं इंद्र दा राज काग दा बिष्टा, हमारे लिए स्वर्ग का राज भी काग की बीट के तुल्य है, क्योंकि अपनी कमाई अपनी बेगार हुआ करके फिर खाली होकर के वापस जीव आ जाता है। ओम नाम के का जाप जो है और इसमें ये ब्रह्म का जाप है, और ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 के मंत्र नंबर श्लोक नंबर 23 में ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, अपना मन अपने अपनी विधि तो बता दी भगवान ब्रह्म ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म अनुसमरण माम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, ओम इति एक अक्षरम मेरा तो माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का व्यवहारन उच्चारण करके अनुसमरण यानी जाप करने का, ओम मेरा तो एक ये ओम अक्षर है और यह प्रयाति तजन देहम सप्रयाति सयाति परमाम गति, जो इसका आखिरी सांस तक जाप करता है मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है, मेरे से मिलने वाली गति को ग्रहण करता है प्राप्त करता है। अपनी साधना को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में रिजेक्ट करते हैं भगवान गीता बोलने वाले कि मेरे वाली साधना में ये बोली आत्मा ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार शीश भी दे दे परमात्मा के लिए उल्टी ना अटे, पर इनको तत्व ज्ञान ना मिलने से मेरे वाली साधना घटिया साधना में ही आसक्त है, इनको तत्व ज्ञान नहीं मिला। फिर उस परमात्मा के पाने का क्या विधि बताई है ब्रह्म ने ज्योति निरंजन काल ने के प्रथम तो उस तत्वदर्शी संत की खोज कर जो उस परम पिता के बारे में पूर्ण रूप से जानकार हो, वो कह फिर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर वे नम्र भाव से उनसे प्रार्थना करो आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त करो, फिर वो प्रसन्न होकर के तत्वदर्शी संत तेरे पर रहम करेंगे, फिर वो जैसे साधना कहें ऐसे करना भाई।
मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में। गीता जी के अध्याय नंबर 15 में एक प्रथम मंत्र में उस परम वो कैसा होगा तत्वदर्शी संत ये भी निर्णय दिया है। वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा, क्या पहचान है उस तत्वदर्शी संत की, उसमें क्या बताया कि ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वथम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को तीन गुण रूपी शाखा वाला, एक ये स्थाई एक वृक्ष रूपी संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके जो जड़ से लेकर मूल से लेकर और शाखाओं तक का भिन्न भिन्न निर्णय कर देगा, भिन्न भिन्न उनको बता देगा, सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। जो इसको मूल से लेकर के शाखाओं तक सारा वर्णन अलग अलग कर देगा, सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत है, उसकी पहचान भी बताएगी। और 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में लिखा है कि जब तत्वदर्शी प्राप्त हो जावे, संत मिल जावे, फिर ये पता लग जाएगा ये तीनों गुण क्या है, ये तो ऊपर नीचे तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के मंत्री हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म कोई और है। तो उसके बारे में बताया जब तत्वदर्शी संत मिल जावे तो उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए संत फिर लौट कर साधक जन्म मृत्यु में नहीं आते। और फिर कहता है जिससे सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और मैं भी उसी की शरण हूं, उसी का तन्वंदन से उसी का भजन जाप करना चाहिए। फिर उसके लिए क्या बताते हैं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस बड़े बड़े ब्रह्म की, ब्रह्मणे एक ब्रह्म है, एक ब्रह्मण है। ये प्रसंग वश ये ब्रह्म जैसे परब्रह्म के भी दो अक्ष दो मायने होते हैं, दो अर्थ होते हैं। पर माने ब्रह्म से नेक्स्ट दूसरा, पर अलग, जैसे दादा और परदादा। और फिर परब्रह्म का एक और भी होता है, जैसे सब भगवानों से, सब प्रभु से, यानी परब्रह्म से भी पर, तो वो पूर्ण ब्रह्म होता है। तो यहां ब्रह्मणे जैसे 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मणे सेंसर युग, वहां ब्रह्मण ब्रह्मण लिखा, वहां परब्रह्म से उसका प्रसंग है। वहां ब्रह्मण का अर्थ है ब्रह्मणे माने बड़ा बड़ा भगवान, ब्रह्मणे माने बड़ा प्रभु, तो वहां परब्रह्म से उसका अर्थ बनता है। और कई स्थानों पर उस जैसे यहां ब्रह्मणे का अर्थ होता पूर्ण परमात्मा, जैसे ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने उस बड़े ब्रह्म का, यानी सुप्रीम पावर के पाने का तीन मंत्र का जाप है। और इसको सृष्टि की आदि में बुद्धिजीवी लोग उस तत्वदर्शी संत के आदेश अनुसार बताए अनुसार वो किया करते थे। आगे संकेत भी दिया है कि ओम नाम से तो ये वेद के जानने वाले अनजान पड़े हुए सब क्रियाओं को ओम शब्द लाकर अपनी क्रिया शुरू करते हैं। जैसे वेदों में प्रारंभ में ओम कहीं नहीं है, लेकिन इन एकादे वेद में नाप ही लगा लिया, जैसे भी ओम भूर भव स्व ये मंत्र बना दिया, जोर जुगाड़ सा करके चारों वेदों में से दो दो अक्षर निकाल लिए और एक मंत्र बना दिया। तो ये कहते हैं वेद के ज्ञाता या पाठक ओम शब्द को प्रथम लगा करके अपनी क्रियाएं को शुरू करते हैं। फिर तत् वो परब्रह्म का जाप है, और इस तत् मंत्र का जाप तो वो करते हैं जो कति साधु भावे, जो यहां से जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न करने वाले ही उस तत् मंत्र को का जाप करते हैं। और सत मंत्र उनको प्राप्त होता है जो साधु भावे सत भावे कति संसार से, जिसका मन हट गया उसको तीसरा नाम प्राप्त होता है। यानी यहाँ क्या, यहाँ से कति हृदय हट जाएगा, भक्ति खूब हो जाएगी, यहाँ से ऋणमुक्त होने योग्य हो जाएगा, तो वो पूर्ण रूप से जो समर्पण परमेश्वर में हो चुका है उसको सत मंत्र प्रदान किया जाता है, अर्थात वो आखिरी जो सार नाम है वो उसको दिया जाता है। ऐसे से डिटेल भी दी है, लेकिन मैं उसके तत् और सत मंत्र को नहीं जानता, मैं नहीं बता सकता उसको,
ना मैं जानता हूं किसी संत से पूछो, ये वेद बोलने वाला ब्रह्म बोल रहा है। तो कहने का तात्पर्य था कि हमारे सतगुरु दे रहे हे लारे सतनाम सुमर मन में लारे, ये मलिन मलिन मन, ये गुटी सुटी लान में, ये कार कोठी बनाने में असंख्य योग हो गए तूने, ये डले डोके, ये तो ऐसे खिलौने हैं जैसे बच्चे पहले हम छोटे छोटे जोड़ पर नहाने जाया करते तालाब पर, और वहां बालक वर्षा के दिनों में तालाब के किनारे रेत हो जाता है गीला, और उसके पैर अपना पैर देकर मिट्टी ऊपर करकर नो घर बना लिया करते थेपड़ थे ऐसे, उसको पीट पीट के पैर निकाल देते, ले भाई एक घर बन गया, एक और बना दिया, चार बना दिया भाई, और चलते हम उनका लात मारे थे। तो ये तो जो खिलौने हम यहाँ बना रहे हैं, ये तो वो पैर पर माटी पीट के हम ये खिलौने बना रहे हैं, और ये असंख्य योग हो गया हमने बनाते, हमारे संग गए नहीं और हम 84 में चक्कर काटते रहे, वो बड़ी बड़ाई कोठियां रहेगी वहीं पर। तो कहने का भाव ये है ना कि इन कोठियों से ही हमें हेट हो जाए ना, इनको एक रेस्टोरेंट समझ ले कि हम एक होटल में रह रहे हैं, ठीक है तेरे जेब में पैसे खूब हैं तो बढ़िया अपनी सुविधा भी ले ली, पर इन सुविधाओं का दुरुपयोग करो, दुरुपयोग ना करें। जैसे कूलर लगा रखा है, पंखा लगा रखा है, एसी भी लगा लिया, कोई बड़ी बात नहीं, तो उसका फायदा उठाओ। जैसे जून के महीने में बहुत भयंकर गर्मी होती है, और लग चला कर कूलर अपना एसी और लेकर माड़ा वजन करे, शिमला हो गया यहीं पर आपके घर पे, कूलर लगा ले ना, जो अपना पंखा लगा ले, जो भी सुविधा आपके पास है मालिक याद कर, इनका आपको सदुपयोग करने से पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं के सतनाम सुमर मन में लारी, प्रभु की भक्ति कर और केवल इस जोड़ जुगाड़ में ही मत लगा रहे, अपना संसारी काम भी कर, और संसारी कार्य जब हमारा आठ पकड़ जाता है, नहीं पूरा होता है, हमारी कोई बाधाएं आती हैं, घर में हानि होती है, बिजनेस में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होता, तो हम परमात्मा की तलाश करते हैं, और जिन परमात्माओं की हम खोज में, जिन परमात्माओं की हम ओट ले लेकर साधनाएं करते थे, वो हमारे भाग में भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते थे, इसलिए हम नास्तिक होने जा रहे हैं। अब भाई भाई बहन का प्यार रहा ना, भाई भाई का रहा ना, माता पिता में वो पहले वाला लगाव रहा नहीं, क्योंकि स्वार्थ ही एक उद्देश्य बन गया, और वो स्वार्थ भी पूरा नहीं हो सकता, बुरे बुरे हो रहे स्वार्थ भी पूरा नहीं हो सकता जब तक हम परम पिता से नहीं फिर जुड़ जाएंगे जो भाग में परिवर्तन करता है। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। ये परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, जो हमारे कर्मों के लेख को चेंज कर देता है, हमारे जो है ना सतगुरु पूर्ण परमात्मा जो है हमारी आयु को भी, यदि आप आपके सांस भी नहीं रहे हैं, ये कबीर परमात्मा आपके आयु भी 100 वर्ष तक बढ़ा सकता है। यजुर्वेद ना ऋग्वेद अध्याय, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 110 और मंत्र नंबर 1 में, 2 में और 5 में क्या वर्णन दिया है कि हे यदि रोगी की आयु अक्षीण हो चुकी हो, उसके सांस शेष ना रहे हो, और जब तू मेरी शरण में समर्पण कर दे, मेरे चरणों में लग जा, तो तेरी आयु बढ़ा दूं और 100 वर्ष की आयु परमात्मा दे सकता है, यानी मैं तुझे 100 वर्ष आयु प्रदान कर दूं। वेद बोल रहा है और पूर्ण परमात्मा की तरह संकेत कर रहा है कि वो परमात्मा अपने भक्त की, अपने सत साधक की 100 वर्ष आयु बढ़ा दे, जो उम्र भी ना रह रही हो। और फिर कहा कि हे पुनर जीवन प्राप्त प्राणी, अब तेरी आयु मुझे मैंने बढ़ा दी, तो फिर समर्पण कर दे मेरे में, और फिर कभी तेरी आंख भी जानी हो, क्योंकि आंख इस जीव की सबसे सबसे इम्पोर्टेंट अंग, वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं बॉडी के, लेकिन आंख तो गणिए जरूरी होती है,
और कहते हैं जब तेरी कभी आंख जाने का भी संयोग आ जा तेरी आंख भी ठीक कर दूंगा, चिंता मत करिए। ये भगवान कबीर परमात्मा में गुण है, सारा चारों वेद कबीर परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं। और वो कबीर परमात्मा का कनेक्शन देने वाला कोई लाइन मैन मिलाना, अभी तक हमारे को ये पहले तो जो ब्रह्म तक की भी कोई कनेक्शन देने वाले थे वो ठीक साधना बता करते ऋषि जन, वो भी ना पाए, वो भी समाप्त हो गई है। महर्षि दयानंद जैसे पूरे सत्यार प्रकाश में कितनों भी नहीं लिख रखा, ओम नाम का जाप कर दिया करो, केवल आवन आवन की विधि बता रहा कि यार उस पर ये सारे घाटा जोड़े रहे थे। तो ये जो नाम का जाप है ओम का, ये अधिकारी देव है। तो ब्रह्म तक जैसे यह भी सिंगल पावर है, थोड़ी बहुत यह भी राहत दे देती, वो भी खत्म हो गया सिंगल फेस की। और ये परमात्मा तो फुल फेस का, सारे फेस इसमें थ्री फेस के भी ऊपर को पावर होती, वो भी कबीर परमात्मा में। तो इससे जैसे हम छोटी छोटी जैसे इन कम पावर की सिंगल फेस वाली लाइनों से कनेक्शन ले रहे हैं, लाभ तो उनके भी होता है लेकिन वो सीमित लाभ है। और थ्री फेस तो ले बादशाह से फैक्ट्री चलाओ से कितना कुछ करो, छोटे से बड़े सारे काम सारे। तो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की पावर से कनेक्ट करने वाला, जब तक हमें वो तरीका नहीं मिलेगा, वो लाइन मैन यानी वो नहीं मिलेगा परमात्मा का जो संत है, तब तक हमें उसकी राहत नहीं मिलेगी। उस बिना काम सरे नहीं, उस बिना सारे काम नहीं सरे। जितने भी जैसे कोई छोटे अधिकारी हैं वो भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रोग काटेंगे वो सब के बस की को जाए। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा की शरण में आने से समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। उस समर्थ की शरण गहो सदा होरी खुशी रहेगी, या एक दिन होरी लाल पीड़े उठ मुंह कर लेते हो, ये होरी नहीं है। होरी तो वह है जो भगवान सदा सुख दे घर में, रोज दिवाली रहे, रोज होरी रहे, सब दुखों से दूर रखे भगवान, तो तब ये राम रंग से होरी होगी। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। कभी ना हो अकाज, कोई बुरा बुरा दुर्घटना नहीं होगी आपके घर पर, सच्ची लो लाओ मालिक में। देखो हम उम्मीद तो करते हैं परमात्मा से पूरा लाभ लेने की, और नीत साबित को ना पूरे ढंग से समर्पण है नहीं, तो जैसा आप करें इतना तो राहत आपको अवश्य मिलती रहेगी। और ये सोचो भी हमारे यहाँ वह नहीं हुआ जो उन भगतियों के ऐसे हो गया जैसे डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा की उम्र बढ़ा दी, तो ये कोई बात, इतनी बड़ी पोस्ट होकर के बच्चा की तरह बैठे रहते हैं, सुख आ जाते हैं हर छुट्टी लेकर परमात्मा के चरणों में। ये MBBS GMS कदे सोना भी कोई नहीं भगवान के विषय में, तो क्यों? क्योंकि इन पर परमात्मा की मेहर होगी, इनको प्रत्यक्ष घटना दिखा दी, ये बुद्धिजीवी प्राणी है। तो ऐसे आप भी जब इतना समर्पण आपका आ जाएगा फिर देखना, आप बताया करोगे दुनिया का जचे नहीं सचमुच ऐसा हो सकता है। जैसे आपको पीछे एक भगत की कथा सुनाई थी और पिछली बार भी सुनाई थी कि उसको यम के दूत पकड़ ले गए, अचानक पेट में दर्द आज भी आया, सारा परिवार उनका आता ही रहता है। पहले वो बालक उसके सतपाल जी के शिष्य थे, उनके पूरा परिवार उनके पिताजी भी, अब दो तीन चार वर्ष से दो ढाई वर्ष से यहाँ आ गए। उसके बाद उनके लड़के को श्याम को पेट में दर्द हुआ, नजफगढ़ रहते हो, और बेहोश हो गया वो लड़का दुकान से घर पर आते ही, घर वाले उठा के ले गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया, वे तो कंडे बोल दिया और ले जाओ वो कह उसे दूसरी जगह ले जाओ। वो कहता कि वहां ऊपर जाकर के मुझे लाइन में खड़ा कर दिया धर्मराज, सबका लेखा ले रहा, मेरा नंबर जब आया मेरी तरफ देख कर बोला इसने तालाब में पटक दो, उसमें से मोटे मोटे मगरमच्छ ने ऐसे मुंह खोलने पड़े। उसमें मुझे याद आए भगवान, हे बंदी छोड़, हे गुरु जी मुझे बख्श बचाइयो। कहते उसी समय कबीर परमात्मा आए और उस धर्मराज के दरबार में, धर्मराज ने कुर्सी छोड़कर दंडोत प्रणाम करी परम पिता को और क्या खबरदार दे इसको कुछ नहीं करना, आ जाते इधर ने। तो उसके बाद कहते हैं वो आपके रूप में हो गए, जब आपके रूप में हो गए तो वो धर्मराज वकालत करने लग गया, कहने लगे आपने आप इसकी रक्षा क्यों करते हो, आपने पहले भी इसको दो बार बचाया है,
तो परमात्मा ने यानी उस दास के रूप में कहा कि ये मेरा पिछले जन्म का भी साधक रहा है, इसलिए मैं इसकी रक्षा पल पल पर कर रहा हूं। भक्त ने बताया कि मेरे एक बार आमने सामने जीप की और बस की टक्कर होगी और बस के नीचे पहिया के नीचे जा पड़ा और कति खरों तक नहीं आन दी। एक और घटना ऐसी बताई। तो फिर धर्मराज ने कहा कि मैंने तो इसका नाम तड़वा रखा है, अब भी क्यों रक्षा करते हो? परमात्मा ने कहा कि तूने तड़वा रखा, इसने इच्छा अपनी मर्जी से नहीं तोड़ रखा, इसलिए रक्षा करता हूं, छोड़ इसको। तो कहने लगा ठीक है, अब तो ले जा, फिर देखूंगा। धर्मराज कहता है देख कड़े ती बेईमान है, मजिस्ट्रेटों ती आ गया, मजिस्ट्रेट भी नो धक्के दे, देखो फिर देखूंगा ले जा। तो परमात्मा ने कहा अगर तू इसकी तरफ देख लिया ना आज के बाद, जैसे तू प्राणियों को सताता तेरी ऐसी गति कर दूंगा। अर्ण्यू कह के मेरे को साथ लेकर वापस छोड़ दिया। तो मैं ये रस्ते में ले जा रहे थे इनके माता पिता कहीं और हॉस्पिटल में, और कह दिया कि जाके अपने माता पिता को कह दे वापस ले चलेंगे, मैं स्वस्थ हूं। उस लड़के ने क्या बताया कि सामने आप एक कमल के फूल पर बैठे हो, मेरी तरफ हंस रहे हो और मैं होश में आ गया, मैं आपकी याद में रोऊं? अगर क्या करवा औस्तमत आ गया, घरवाला ने सोचा ही तो फिर बुरा हाल हो गया। फिर एक बार कहा कि तुम मुझे वापस ले चलो, वापस लेकर आगे। तो बीच फिर मैं रोने लग गया बुरी तरह, आपको याद करके आप जाते नजर आए, अरे गुरु जी गए कहीं फिर दिक्कत ना आ जाए। तो घरवाला ने सोचा इसके फिर तकलीफ होगी, फिर वापस लेकर चल पड़े। फिर कहते हैं आप फिर आए कि भक्त मैंने तेरे से के कहा था वापस ले जाओ, अपने घर न चले जाओ, कोई दिक्कत कहीं नहीं जाना है। तो कह दिया अपने माता पिता ने, फिर मैंने अपने माता पिता से कहा घर वापस लेकर आए। बोलो सतगुरुदेव की। कहते हैं धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे बोले चुके हंस ने तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, आपके हंस ने पकड़ो नहीं मैंने 2,00,000 करोड़। इस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश थर थर कांपते हैं। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश से यह कांपे दंडराती, और इस परमात्मा के सामने यहाँ का सुप्रीम जज भी प्रणाम करता है। उस परमेश्वर की शरण आप पुण्यात्माओं को प्राप्त है। पर यू दिल ना डटे थोड़े दिन, क्योंकि जैसे कुत्ते का 2 लठ मार रखे हो ना, तो पड़ा रोया करे, थोड़ा सा खुड़का भी दुड़का कहीं से आवाज आ जाए तो उठा नहीं जाता उससे, बस समर्पण कर देता, रोने लग जाता है। आज अपनी वो गति करे किस काल में, कभी गधे बनाए, कभी कुत्ते बनाए, कभी सुअर बनाए, किसी की टांग काटती, किसी के बेटे मर गए, किसी का क्या हाल कर रखा है। और राहत मिलती ना इनकी साधना से, ये तो जो पिछला पुन वही किसी को मिला जो सुखी है, उनकी वह पिछली मलाई खा रहे हैं, उन्हें खंडा रहे, बर्बाद कर रहे हैं, और भविष्य की तैयारी उस गलत साधना से नहीं हो सकती। गीता जी के अध्याय नंबर 16 मंत्र 23-24 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी पूजा करते हैं, उनकी ना कोई गति हो, ना कोई सुख हो, और ना उनको कोई उनके कार्य सिद्ध हो, फिर किस लिए करते हैं वो भक्ति? तो यहाँ परमात्मा कहते हैं समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कदे ना हो काज राम रंग होरी हो। अभी भगजन आए 2-3-4-5 मिले, बहन बेटी रो रही थी, बोले जी रस्ते में तेरी भी दर पलट गया, इतना बुरी तरह पड़ा कि बस एक आदि के थोड़ी बहुत खरोच आई ना, क्योंकि निशान भी कोई ना, इतने याद आए भगवान नु बला टले। कहते सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जब मस्तिक में सोड़ी होवा कांटे में टल गया। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा के चरणों में लगे रहो, थोड़े से दिन में आपकी नीत साबित हो गई, अभी तो देवता तो भी डर लग रहा है और पितर पुत्र छोड़ दिए, ना डर लगे तो दूसरे डरा देते हैं आकर के, देखा देखेंगे थोड़े से दिन में थारी गेला के बनेगी, सब देवता त्याग दिए, ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा भी नहीं करते हो, पितर भी नहीं पूज रहे हो, देवी देवता तो पूजते ही हैं, तो उनसे डर कर आप फिर गलत बीच में तोड़ फोड़ कर जाते हो, डरते गुप्त रूप में कोई क्रिया भंग कर देते हो, तो परमात्मा हाथ उठा देगा। कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष ये सत साधना करके एक दिन भी आन उपासना जो गुरु की मर्यादा भंग करके किसी देवी देवता या सराज पत्र की कोई पूजा कर दी कि तो मंदिर मस्जिद में माथा टेकने चले गए, तो आपका सारी कैंसिल कर देगा भगवान, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा परमात्मा पाना कठिन नहीं है, इस खेल के मैदान की सीमा में रहना मुश्किल है, और सीमा बिना बात बने नहीं, ये खेल सफल हो नहीं सकता। ये नियम है परमात्मा के जो आपको दे रखे हैं,
इनसे बाहर मत जाना। कहते हैं जब तक हमसा हमारी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना, जब तक मेरे बच्चे मेरी शरण में मेरी आन कान में रहेंगे मर्यादा में रहेंगे तो तेरा तीर नहीं लग सकता। जैसे श्री रामचंद्र जी ने, जैसे श्री रामचंद्र जी के आदेश से लक्ष्मण ने सीता जी के चारों तरफ झोपड़ी के चारों तरफ कार दे दी थी, कार एक लाइन खेत रेखा खींच दी थी और कहा था माता इसे बाहर मत आइए या मेर कर देना। ठीक आप कह रहे हो मैं जा रहा हूं भाई की रक्षा के लिए लेकिन इस रेखा से बाहर मत आना। अब रावण साधु बनकर आ गया, आगे को आने लगा तो एकदम उसमें से ऐसे लपटे निकली वो वापस हो गया कि बहुत बड़ी शक्ति है यानी मैं जा सकता। तो कहा कि माई साधु वो भिक्षा दो साधु को और आपके द्वार से साधु भूखा जाएगा, आपको श्राप लगेगा ये लगेगा। अब सीता ने सोचा महात्मा है कि फर्क पड़े है, दो कदम रख कर दे आती हूँ, वो दो एक कदम बाहर रखा था जब उठा ली वहीं से। तो कहते हैं जैसे रामचंद्र की कार उलंगी गई सीता लंक मजारे, उस रामचंद्र के आदेश से जो श्री लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी उस कार ने उलंग कर और सीता ने मर्यादा तोड़ी थी वहां 12 वर्ष काल के कैद में पड़ी रही उस रावण की कैद में। कहते ऐसे ही तुम हमारी मर्यादा को पार कर जा करके तो तुम बेशक मर्जी हो कुएं में पड़ के नीस मेरी रेखा के बीच में काल नहीं आ सकता। इन नियमों को निभाते हुए सत्य सच्चे नाम का जाप करते रहे काल अटैक नहीं कर सकता। जब लग हंसा हमारी आना, आना मन आन कान में हमारी मर्यादा में रहेगा और काल लगे नहीं तेरा वाणा, तेरा तीर नहीं लग सकता। तो समर्थ का शरणा गहो, जैसे राम नाम जपो राम नाम जपो, ये तो सभी कहते हैं। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।